हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके लिए एक और शेयर को लेकर के आया हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुशी पूर्वक अपने लाइफ को अपने एटीट्यूड के अनुसार जी रहे हैं और अपना व्यवहार इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई परेशानी नहीं हो रही है, खासकर मेल फीमेल को। तो चलते हैं। कंपनी का नाम है, यानी कि स्टॉक का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1995 में निगमित किया गया था और यह संगठित उद्योग में 14% बाजार हिस्सेदारी के साथ होजरी व्यवसाय में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरा है। यह भारत में सबसे बड़ा मध्य खंड होजरी उद्यम है। ग्राहकों की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनी के पास 16 ब्रांडों में 100 से अधिक उत्पाद हैं। कंपनी के उत्पाद पूरे भारत में फैले 4,50,000 खुदरा केंद्रों पर उपलब्ध हैं। तो अब इस कंपनी के डाटा को देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 4,487 करोड़, स्टॉक पी 43.7, ROC 12.7%, करेंट प्राइस 1,494 रुपया, बुक वैल्यू 483 रुपया, ROE 9.95%, 52 वीक का हाई लो है 1,959 रुपया और लो है 1,111 रुपया, डिविडेंड यील्ड 0.33%, फेस वैल्यू 2 रुपया। अभी तक जो देख रहे हैं इस डाटा के अनुसार ये शेयर अभी अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। आगे चलते हैं, इसका चार्ट देखते हैं। तो एक साल का जो चार्ट दिखा रहा है उसके हिसाब से ये अभी प्राइस कंसोलिडेट करने वाला है। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, यानी कि ऊपर नीचे होगा शेयर प्राइस। अच्छा, इसका प्रोज और कॉन्स देखते हैं। तो प्रोज में एक है जो कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, यानी कि डेब्ट को कम कर रहा है। और इसका पियर्स कंपनी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रूबी मिल्स, मफतलाल इंडस्ट्रीज, लॉयल टेक्सटाइल, लक्ष्मी मिल्स, जेसीटी, सोमा टेक्सटाइल्स। तो इसका पियर्स कंपनी भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसके कारण इसका रेट अभी अच्छी खासी है। और इसका देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो सेल्स पिछले क्वार्टर के अपेक्षा घटा है और एक्सपेंस भी घटा है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 50% घट गया है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा। तो उसके हिसाब से तो इसका प्राइस घटने की उम्मीद लग रहा है, लेकिन 100% नहीं हो सकता है। इसका प्रॉफिट लॉस जो कि लास्ट TTM यानी कि 12 मंथ का जो बताता है वो ठीक ही है। EPS बता रहा है 35.91 रुपया। मैं खास चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से ध्यान देने योग्य है। बाकी सब देखना हो तो पॉज वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसका बैलेंस शीट देखते हैं तो रिजर्व इसके पास अच्छा खासा बनते जा रहा है जो कि 1,446 करोड़ का। अब ब्रोइंग उतना नाम मात्र का ही है, 245 करोड़, जो कि घटाया है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, पिछले साल के अपेक्षा। अदर लाइबिलिटीज 422। टोटल एसेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। पिछले साल में 2,012 करोड़ का था और इस साल में यानी कि 2023 मार्च में जो क्लोजिंग हुआ है वित्तीय वर्ष, उसमें 2,119 करोड़ का हो गया है। कैश फ्लो
जो कि माइनस में है, ये बैड न्यूज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, जो कि 74.19% ये शेयर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें लॉन्ग टाइम के लिए ख़रीदारी करके चल सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। इसमें अगर ट्रेडिंग करें तो अपने सूझबूझ के अनुसार और अपने विवेकानुसार। बाकी इसी पर मैं इस वीडियो में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।